अस्सलाम वालेकुम मिथिला बरकातुहू। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखे कि मदार शरीफ के अंदर का जो सीन था वो सब मैं दिखाया। अब यहाँ से हम निकलते हैं घर की तरफ और क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोग वीडियो में बने रहें। और आप अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह आपको देखने को भी मिलेगा। तो जब तक के देखिए आगे में चल करके क्या क्या दिखाता हूँ आप लोगों को। हेलमेट लगा रहा हूँ, देख रहे हेलमेट वगैरह भी लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं, देखिए खुशरू भाई गाड़ी स्टार्ट किए। अब हम लोग मदरसा जा रहे हैं, मदरसा फैज़ इस्लाम जा रहे हैं। और यहाँ से देखिए ये सब आए का सीन भी देखने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया जगह देखने को मिलेगा ये सब। ये सब देखने को मिलेगा, ऐसा दिखा दीजिए। ऊपर देखिए काफ़ी बल्ब भी लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया बल्ब सब भी है। बहुत आमदनी लेकिन यहाँ पर बहुत कम सब्जी। जैसे कि उधर देखे आप लोग ना, उधर हमारा बंदा भी नहीं है हमारा, तो ध्यान से दुआ भी हासिल करके काम जारी है। बढ़िया बढ़िया जगह भी देखने को मिलेगा, देखिए घर भी है काफ़ी बढ़िया जगह है। पीपर की गाछी देखा हुआ ना, कैसे मस्त है। देखिए पीपर की गाछी है माशाल्लाह, बहुत ठंडक है, बहुत आरामदेह है। आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी तादाद लोग है। देखिए मजार शरीफ भी आप ज़ियारत कर सकते हैं, देखिए बहुत से सारे लोग हैं। चलते हैं हम लोग, जा रहे हैं। देखिए ग्रेवल रोड है, उधर देखिए तो यहाँ से हम लोग सलाम करते हैं और फिर अपने घर की तरफ हम लोग रवाना हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चलिए यहाँ से देखिए अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और इमाम साहब को मदरसा भी छोड़ेंगे और यहाँ मदरसा फैजुल इस्लाम, ये हम लोग का मदरसा, गाँव का मदरसा है, मदरसा फैजुल इस्लाम है। दर्जा भी हो चुका है और सरकारी मदरसा है, सरकारी मदरसा है। मदरसा के पास ये पुल है, देखिए अब इसका भी काम चालू है। शरीफ पर जो पुल बन रहा है वो बाढ़ की वजह से अभी इसमें ज़्यादा नहीं लोग आ पाते हैं, अभी बाढ़ भी नहीं है तो इसलिए हेल करके आ जाते हैं लोग सब। और बाढ़ की वजह से इधर कम तादाद में लोग आ रहे हैं, अभी बाढ़ भी नहीं है, बारिश का मौसम है। और ये छड़की है जो हम लोग गांव की तरफ भी जाने वाले, और हम लोग लोहर पट्टी होकर के पहले जाते थे, तो अभी रोड ख़राब होने की वजह से हम लोग के यहाँ पुला भी बन चुका है, बहुत बड़ा लंबे चौड़े पूरा है तो वो भी बन चुका है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जब तक के बने रहे इस वीडियो में। और ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक வானில் உயரும் ஈது முபாரக், ஈது முபாரக் முபாரக், ஈது முபாரக், ஈது முபாரக்
मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल देखिए गाड़ी काफ़ी चढ़ाई है, अभी बढ़िया से बना भी नहीं है रोड, इसलिए गाड़ी फंस चुका है। आपको बताते मैं फंस गया हूँ, तो इस गाड़ी पीछे हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। पीछे करा ना, पीछे पीछे करा। हाँ देखिए काफी लंबा चौड़ा पुल है, आप ज़रा देख सकते हैं। ये सब शाम में दिखाएंगे, शाम में वीडियो करेंगे। हाँ ज़्यादा देखिए धूप ज़्यादा होने के वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ बढ़िया से, फिर कभी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ और यहाँ वाले साहब उधर के भी उधर के आप ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए ये थोड़ा गांव है, खुशी भाई के गांव है। ये देखिए माशाल्लाह देखिए मेरे गांव में काफ़ी बढ़िया है, मेरे गांव का भी सही है। इधर दिखाइए बीच रोड भी बन चुका है, इधर हमारे गाँव के जो नेता है पंच वगैरह काम वगैरह भी बढ़िया से करते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं तारीफ नहीं करता हूँ, काम नहीं करता।